अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड गुड एट योर होम। आई एम योर साइंस टीचर मिस राबे मेरी राजपूत एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज आवर एनवायरनमेंट। इन द प्रीवियस लेक्चर आई गिव यू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। एनी मटीरियल विच इज़ पार्ट ऑफ अर्थ एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड एड वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो चीज़ जो कि पार्ट ऑफ अर्थ हो या फिर ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे और उनकी वैल्यू को ऐड करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर रॉक्स, मिनरल्स, सॉयल, रिवर्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज इन चीज़ों को हम खुद नहीं बना सकते, ये हैं नेचर मेड हैं, यानी नेचुरली हमें मिली हैं और हमें इन्हें सेव करना चाहिए। दैट नेचुरल रिसोर्सेज प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन आवर लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। देन वी हैव वैल्यू ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। वैल्यू मीन्स कि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। वी हैव 3 वैल्यूज़ लाइक इकोनॉमिक वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम अपनी इकोनॉमी को इनक्रीज कर रहे हैं। देन लीगल वैल्यू मीन्स के रिसोर्सेज को यूज़ करें लेकिन क्लीन एयर, फ्रेश वाटर और हेल्दी एनिमल ह्यूमन बींग्स। रिसोर्सेज के साथ साथ वाटर को क्लीन फ्रेश रखें, एयर क्लीन रखें, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी हेल्दी रहें। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स के आपके लाइक आपके पास जो एरियाज़ हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आप सही रखें, लाइक ब्यूटी ऑफ विलेजेस, रोड्स, पॉन्ड्स एंड देयर एग्रीकल्चर फील्ड, मीन अपनी सराउंडिंग को साफ रखें। देन वी हैव टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स रिसोर्सेज विच आर लिविंग नेचर, इट्स एग्जाम्पल इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड एनिमल्स ETC। वो रिसोर्सेज जो कि लिविंग नेचर हों, जैसे कि हमारे पास फॉरेस्ट और एनिमल्स हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग इन नेचर, एयर एंड वाटर। एबायोटिक रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग इन नेचर हों, जैसे कि एयर एंड वाटर। अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश ईजिली इंक्लूड सनलाइट, मीन्स वो रिसोर्सेज जो कि ईजिली रिप्लेनिश हो सकती हैं, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं, दैट इंक्लूड सनलाइट। जैसे कि हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें टेम्परेचर इतना हो या फिर सनलाइट, जैसे हमारे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो फिर हमारी सनलाइट भी लाइक यूवी रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाए और वो ईजिली जो है वो डिस्ट्रक्शन कर सके। नाउ वी हैव मेजर प्रॉब्लम विद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मीन्स के नेचुरल रिसोर्स को जो कंजर्व करना है उसके लिए हमें जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, दैट लो अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस नहीं है। एक्सप्लाइटेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक गेन, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक गेन। वैल्यूज एंड नॉलेज अबाउट द स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इनएडिक्वेटली नोन, मीन्स कि हमें अपनी इकोसिस्टम, अपनी स्पीशीज की जो वैल्यूज़ हैं या नॉलेज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम अपने हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स हम लैंड को ख़त्म करके लाइक फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करके, कटिंग डाउन करके हम उसको एग्रीकल्चर एक्सटेंड कर रहे हैं। फिलिंग अप वेटलैंड्स को हम फिल करते जा रहे हैं लैंड से, मीन्स कि हम सी एरिया या वाटर वेट एरिया ख़त्म करते जा रहे हैं और उसको फिल अप करते जा रहे हैं। देन वी हैव कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। प्रीकॉशंस शुड बी टेकन टू कंजर्व ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी शुड बी यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर कमर्शियल पर्पस, मीन्स के सोलर एनर्जीज को हम प्रिकॉशन लें कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है, इसको हम अपने कमर्शियल पर्पस में अल्टरनेटिव वे के तौर पर यूज़ करें। दिस वुड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इस तरह हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, दस प्रोटेक्टिंग मैनकाइंड एंड द अदर लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, और इसी तरह हम अपने मैनकाइंड को और दूसरी क्रिएचर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर फ्यूचर इज इन आर हैंड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर कमिंग ईयर, हमारा फ्यूचर हमारे अपने हाथ में है,
कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कमिंग ईयर्स के लिए कंजर्व करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी सेफ रहेगा और हमारा प्रेजेंट भी. एज यू कैन सी दैट प्लांट मोर ट्रीज, यूज सोलर एनर्जी. सो ये सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. नाउ वी हैव बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है बायोलॉजी की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड की लाइक यू कैन से दैट के मैनकाइंड के फ़ायदे के लिए. वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज फॉलोइंग. The use of living cells to make products such as pharmaceuticals, food, beverage. हम living cells को use करते हैं products बनाने के लिए, जैसे कि pharmaceuticals, foods बनाते हैं और beverage यानी कि sweet confectionery. The use of organisms such as bacteria to protect the environment. हम bacteria को use करते हैं अपने environment को protect करने के लिए. The use of DNA science for the production of products, diagnostics and research. हम DNA साइंस को प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए, डायग्नोस्टिक यानी उनको डायग्नोस करने के लिए और उनकी रिसर्च करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जांपल दैट फर्मेंटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल. फर्मेंटेशन मींस कि हम किसी चीज़ को फर्मेंट कर दें, लाइक जैसे कि वो आपके पास है यीस्ट. इट इज़ मोस्टली डन बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट. इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम यीस्ट कहते हैं. ब्रेड, विनेगर एंड योगर्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि उसका टेस्ट चेंज कर देना, उसमें फर्मेंटेशन कर देना, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट. जैसे कि ब्रेड, आप देखेंगे अगर आप ब्रेड को थोड़े अर्से बाहर रखेंगे तो उस पर आपको फंजाई नजर आना शुरू हो जाता है. योगर्ट, योगर्ट की फर्मेंटेशन क्या है कि हम मिल्क से योगर्ट बना सकते हैं. विनेगर, विनेगर किसी भी फूड को टेस्ट को चेंज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. Now we have DNA. DNA is deoxyribonucleic acid. यानी DNA एक abbreviation है DNA का, that is deoxyribonucleic acid. It is the genetic material of cells and keep all genetic and biological information. DNA, as you can see the picture, this is the DNA. और आपको उसके अंदर जो नज़र आ रहे हैं that is the chromosomes. Like DNA वो genetic material है cells का जिसमें हमारी जेनेटिक और बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म की, हर एनिमल की, हर ह्यूमन बीइंग की. डीएनए में हमारे पास एक जीन भी होती है, दैट इज, इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट. जीन क्या है, जीन वो पीस ऑफ डीएनए है जो कि कंट्रोल करता है हमारे एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट. ट्रेट मीन्स के ह्यूमन बॉडी में जो ट्रेट्स हैं उनके जो भी एक्सप्रेशन है, हैप्पी हैं, सैड हैं, उन्हें कंट्रोल करता है. देन वी हैव बैक्टीरियम. बैक्टीरियम मींस कि अगर हम सिंगल हमारे पास होता है तो उसे हम बैक्टीरियम कहते हैं, और अगर हमारे पास वो प्लूलर में होते हैं तो उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं. एन ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटीरियल हैज़ बीन ऑल्टर्ड using genetic engineering technique, DNA from different sources are combined into one molecule to create a new set of gene. Means वो organism जिसे हम genetic material में as a alternative use करते हैं genetic engineering techniques में, ताकि हम उससे different sources के DNA बना सकें, उससे एक molecule से combine करके हम new genes of set बना सकें, means the new set of genes बना सकें. The DNA is then transferred on organism giving it modification or novel genes. मीन्स फिर हम उस डी एन ए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं, या तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई करते हैं या फिर नोवेल जीन्स बनाते हैं, यानी कि दूसरी जीन्स हम बना लेते हैं. बैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी मॉडिफाइड ड्यू टू देयर सिंपल जेनेटिक्स. बैक्टीरिया वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने मॉडिफाई किया बिकॉज ऑफ द सिंपल जेनेटिक्स. इट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. मीन्स बैक्टीरिया हमारे पास अर्थ में हर जगह प्रेजेंट है. We cannot see the bacteria by the naked eye, but we can see the bacteria with the help of microscope. These are called prokaryote because they don't have nucleus. Bacteria को हम prokaryote भी कहते हैं, यानी कि single celled animal या फिर false nucleus animal, because इनमें nucleus
नहीं होता. नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज क्लोनिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्स और टिश्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स और एग्जिस्टिंग टिश्यू से. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम उसके सेल्स और टिश्यू से उसी जैसा एक और न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. फर्स्ट क्लोन एनिमल्स इन 1997 फर्स्ट एनिमल्स वॉज क्लोन. इट वॉज अ शीप नेम डॉली इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड. मीन्स के फर्स्ट जो एनिमल क्लोन हुआ था, यानी जिससे हम जिसका क्लोन बनाया गया था, दैट वॉज अ शीप. उसका नाम था डॉली, जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था. उसका उन्होंने एक नया क्लोन बनाया था, दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. और जब वो सक्सेसफुल हो गया, आज साइंटिस्ट डिफरेंट स्पीशीज की क्लोन बना सकते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अदर फील्ड मीन्स बायोटेक्नोलॉजी की अदर फील्ड में एप्लीकेशन जो हैं वो क्या हैं. फर्स्ट वी हैव मेडिसन. बायोटेक्नोलॉजी इज़ बींग यूज टू ट्रीट डिजीज. थेरापेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोफार्मिंग इजीसी. मीन्स के बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो है वो मेडिसन बनाते हैं जो कि डिजीज़ को ट्रीट करती हैं. लाइक बायोफार्मास्यूटिकल्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, या फिर बायोफार्मिंग. एनवायरमेंट, एनी बायो टेक्नोलॉजी प्रोसेस दैट मे प्रमोट अ गुड एनवायरमेंट. एग्जाम्पल इज ऑर्गेनिज्म डेवलप ड्यूरिंग द गल्फ वॉर टू ईट ऑयल. ऑर्गेनिज्म यूज इन गोल्ड माइनिंग टू ईट कंटामिनेंट्स. मीन्स के वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम इन्वायरमेंट, गुड एन्वायरमेंट को प्रोमोट करते हैं. जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ड्यूरिंग द गल्फ वॉर जो है उन्होंने ऑयल ईट किया, या फिर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि कंटामिनेट ईट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म को या इन्वायरमेंट को नीट रखा जा सके. एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वी हैव फर्दर टू ब्रांचेज, दैट इज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट वी हैव प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. इट इम्प्रूव्स प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स. प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स बायोटेक्नोलॉजी आर इंसेक्ट्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस. मीन्स के प्लांट बायोलॉजी में हम प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट और प्लांट को इम्प्रूव करते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बनते हैं वो इंसेक्ट्स हैं या फिर डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं. देन वी हैव एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव फीचर ऑफ एनिमल्स और द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एनिमल्स के फीचर्स को इम्प्रूव करती हैं, या फिर जो प्रोडक्ट जो हम एनिमल से लेते हैं लाइक स्किन, फर, मीट, मिल्क, ये हम कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स से. एनिमल्स मे बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट प्रोमोट ह्यूमन हेल्थ. एनिमल्स को हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोमोट करते हैं. फूड एंड बेवरेज. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग. टेक्नोलॉजी यूज़ करें प्रोड्यूस करने में या प्रोसेसिंग में. सम बायोटेक प्रिंसिपल्स हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स. यीस्ट हैज़ बीन यूज फॉर फ्रॉम ईयर्स इन बेकिंग ब्रेड. मीन्स कि कुछ ऐसे बायोटेक प्रिंसिपल हैं जो कि हम बहुत सारे लाइक हंड्रेड ऑफ ईयर्स से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. जैसे कि यीस्ट को यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए. जेनेटिकली ऑल्टर्ड क्रॉप्स आर ऑल्सो बीन प्रोड्यूस. यानी कि जेनेटिकली हम क्रॉप्स को भी ऑल्टर कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स. देन द लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी. इट हेल्प्स टू मीट ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ये ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है, जैसे कि ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग प्रोवाइड करता है एंड शेल्टर. प्लांट्स एंड एनिमल आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मटीरियल फॉर शेल्टर. प्लांट और एनिमल दोनों को फूड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्लोथिंग के लिए या फिर मटीरियल फॉर शेल्टर. इट इज़ यूज टू मेक प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल और डिज़ायरेबल. हम इसको प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं जो कि हमें हमारे लिए यूज़फुल हों या डिज़ायरेबल हों. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू चीज़ और योगर्ट. जैसे कि हम मिल्क को कन्वर्ट करते हैं चीज़ में या फिर योगर्ट में. द लास्ट इज न्यूट्रीशन. सम ऑयल्स आर लोअर इन सैचुरेटेड फैट एंड हायर इन एसिड, मेकिंग देम मोर स्टेबल फॉर फ्राइंग विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. सम फूड्स हैव लोअर लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट.
मीन्स कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें सैचुरेटेड फैट होती है या फिर हायर एसिड होते हैं, तो हम वो फूड यूज़ करें या वो न्यूट्रिशन यूज़ करें जो कि अगर हम फ्राई नहीं भी कर रहे या हम उनको कोई फर्दर प्रोसेस में नहीं डाल रहे तो भी वो हमारे लिए स्टेबल रहें और हमारे जो फूड्स को हैं उनमें सैचुरेटेड फैट जो है वो लो लेवल्स का रहे। थैंक यू, होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।